it. And if you look so far from here to there, you can see the Hirakund Dam also. And there is a factory also, but अभी यहाँ डैम का पानी थोड़ा नहीं गया क्योंकि अभी तो बरसात का मौसम है, तो बरसात का मौसम थोड़ा सा ख़त्म हो जाए तो गर्मियों में जाके डैम का पानी रिलीज़ करेंगे। इसीलिए ये नदी अभी थोड़ी सी थोड़ी नहीं ज़्यादा ही सूखी है, बाद में ये मिलेगा। जस्ट मैं नहा के निकला हूँ महानदी में से, पीछे देख सकते हैं। और वो जो भैया है उन्होंने भी जस्ट हमारे सामने मच्छी पकड़ी है एंड अभी कट करवा रहे हम, तो थोड़ी देर बाद उसको खाएंगे भी एंड उस फिश का मज़ा भी लेंगे। तो महानदी में नहाने में मज़ा भी आया एंड आप इसका व्यू देखिए पीछे, बाल इधर भी घुमा दे, बस अच्छी बन रही है इधर भी ले गया। तो आप कुछ बोलना चाहेंगे संजीव भैया? ऐसा वही चार मिनट मछली खाना और बहुत वही को थोड़ा सांप के बचपच के पकड़े। अभी हम खेल रहे थे तो हमारे पास कुछ बर्तन नहीं था, तो फ्रिजबी पे ही रख कर हम कटवा रहे हैं थोड़ा फिश को। मैं एक चीज़ बोलना भूल गया, लाइक अभी जो भैया फिश काट रहे थे तो इन्होंने बोला कि अभी मत नहाओ लाइक जब हम नहाते हैं, लेकिन इन्होंने कोबरा देखा और इन्होंने कोबरा ऐसे देखा लाइक इनको तो आदत है कि इनकी एक्सपीरियंस भी है कि कैसे मछली देखना है कहाँ पे देखना है, तो वो देखते देखते इन्होंने कोबरा देखा। ये भी बड़ी तेज़ी में भागे पानी से बाहर निकले एंड हमें भी बोला जल्दी जल्दी उड़िया में बोला जल्दी जल्दी भागा हो। तो वही है कि यहाँ अगर पानी में नहाते वक्त किसी सांप ने काट लिया तो डेथ पक्का है। थैंक्स टू दिस भैया एंड पहले तो हमें लगा कि क्योंकि हमें लगा भैया मजाक कर रहे और हमें भटकाने की कोशिश कर रहे, क्योंकि जब ये आए थे तो हम तो रेडी होकर जा रहे थे और इनको फिश भी पकड़ना था, हमें लगा कि हमें डराने के लिए बोल रहे हैं। फिर धीरे धीरे रियलाइज़ हुआ जैसे वो भागे ना जिस तरीके से, तो पता चला कि वो सच कह रहे हैं। फिर हम भी निकले फटाफट, पर आज तो किसी ना किसी हो जाता और एक और बड़ा सा क्योस।